कम ऑल ऑफ यू टुडे वी आर गोइंग टू डू अ सेशन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप इट्स वन ऑफ़ इट्स काइंड इट्स वेरी क्यूरियस टॉपिक अलोट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन दिस और अभी तो ये बहुत ब्यूज़वर्ड है मार्केट में एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है कैसे करना है लेट्स गेट इनटू दिस ब्यू सिग्निफिकेंटली स्मॉल गोल्स कंटिन्यूसली ठीक है तो छोटे 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 गोल्स को जोड़कर एक एंटरप्रिनरशिप की जर्नी बनती है ठीक है एंड वी आर गोइंग टू बी टिंग एटीन क्रूशियल है तो एंटरप्रिनर बनना है ये बहुत लोगों का सपना होता है और बहुत सारे लोग एंट्रप्रनर बनना चाहते हैं लेकिन सपना ही रह जाता है क्योंकि कुछ कर, करते नहीं है उसमें एफर्ट्स नहीं लेते बहुत सारे लोग करना चाहते हैं बनना चाहते हैं लेकिन वो क्वालिटीज उनको पता नहीं है कि क्या क्वालिटीज चाहिए और बहुत सारे लोगों के मन में एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर मिथ्स होने चाहिए तो ये जो मिथ्स है ना वी विल ब्रेक सम ऑफ एंड वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड ऑन दिस ब्यूटिफुल सेशन वॉट आर द एसेंशियल क्वालिटीज रिक्वायर्ड टू बिकम एन अंतरप्रिन हम उसका मतलब भी समझेंगे और क्या क्वालिटीज चाहिए एक अगर आप एक अंतरप्रिन बनना चाहते हैं

तो क्या कह रहे हैं वो वो कह रहे हैं कि एंटरप्रेनर चेंज को ढूंढ लेता है उसको रिस्पोंड करता है और फिर उसको यूज करता है उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करता है तो देखो चेंज तो बहुत सारे हो रहे हैं है ना देखो वेदर बदलता है तो एक चेंज है कर्फ्यू uh, लग जाता है हमें टैक्सी मिलना बंद हो जाती है हमको हम टैक्सी से जाते थे और टैक्सी नहीं मिल रहा है आपको आज रोड जाम है तो एक चेंज हुआ तो छोटे छोटे चेंजेस है ना लेकिन अगर एक एंटरप्रेनर कैसे देखेगा उसको देखो वेदर बदल गया तो वो छाते की जरूरत है क्या समर आ गई तो समर कपड़ों की जरूरत है क्या तो कई सारे लोग सीजनल बिजनेस शुरू करते हैं हमें पता है स्टॉल्स लगाते हैं एग्जीबिशन लगाते हैं सीजनल बिजनेस करते हैं जूते का सीजन आ गया तो जूता बेचते हैं बारिश का सीजन आ गया तो छाता बेचते हैं राइट सो दैट इज लाइक रिस्पॉन्डिंग टू अ चेंज पहले तो चेंज को पकड़ना आइडेंटिफाई करना ठीक है फिर उसको रिस्पोंड करना यानी एक्नोलेज करना और उसके ऊपर काम करना और फिर उसको एक अपॉर्चुनिटी बना लेना बिजनेस की दैट इज दिस की जर्नी एक वन लाइन में भी यहाँ पे वो बता रहे हैं, ठीक है तो लेट स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ड ऑल्सो ये वर्ड से आया? And then इसके डीप में जाते हैं एंड ऑपरेट्स और वेंचर टिपिकली अचीविंग प्रॉफिट बट नॉट ने बिकॉज एनजीओ जो चलाते हैं वो भी एंटरप्रेनर्स होते हैं ठीक है और कोई बिजनेस में नया कर रहा है कोई नए टाइप का बिजनेस लेके आ रहा है यूएसपी जिसका अलग है मार्केट से ऐसा कुछ नहीं है एक नॉर्मल शॉपकीपर भी एंटरप्रेनर होता है क्योंकि एक नॉर्मल देखो ऐसे नहीं है कि हजारों के किरा किराने की दुकान है तो आप किराने का दुकान खोलोगे तो एंटरप्रेनर नहीं हो एंटरप्रेनर ठीक है आप किराने की दुकान खोलोगे ग्रोसरी का, का काम करोगे जिसकी ऑलरेडी भरमार है मार्केट में

एंटरप्राइज बिल्ड करना यानी उसके अराउंड एक बिजनेस बिल्ड कर लेना पूरा बिजनेस इज नॉट जस्ट अबाउट प्रॉफिट और लॉस तो ये क्या होता है देखो एंटरप्रिनर विल बिल्ड अ बिजनेस और एन एंटरप्राइज अराउंड एन आइडिया और अ चेंज और अब इनोवेशन ठीक है बट नॉट ने हमेशा इनोवेशन होगा ऐसा नहीं आप नॉर्मल शॉप खोल रहे हो तो भी आप एंटरप्रिनर हो एंड दे मैनेज द बिजनेस एंड दे एज्यूम द रिस्क फॉर इट्स सक्सेस सक्सेस के साथ रिस्क को जोड़ा क्यों क्योंकि रिस्क इज इनवॉल्व बहुत सारे लोग बनना चाहते हैं और बहुत सारे लोग उसमें से नहीं बन पाते या स्टार्ट ही नहीं करते या स्टार्ट करके फेल हो जाते। क्यों पता है क्या? बिगेस्ट इज रिस्क टेकिंग नहीं कर पाते लोग ठीक है लेट्स वील कीप टॉकिंग अबाउट इट लेट्स मोर हिस्ट्री अराउंड सो हुआ दिस टर्म तो ये जो एंट्रप्र आंतरेप्रेन्योर कर करके हम प्रोनाउंस करते हैं इसको ठीक है ये फ्रेंच टर्म है आंतरेप्रेन्योर इज अ फ्रेंच वर्ड इट वाज क्वाइंड बाय अ फ्रेंच पर्सन उस नेम वाज शॉन बाप्टिस्टे से नाम दिया हुआ है उनका नाम पे फ्रेंच आयरिश इकोनॉमिस्ट इन 1800 उन्होंने ये टर्म पॉपुलर किया ठीक है इट्स अ थर्टीन सेंचुरी फ्रेंच वर्ब आंतरेप्रेन्द्रे के ऊपर ये बना हुआ है

in a way mandatory to become an entrepreneur so don't get nervous also ki ha ye sab qualities nahi hai to fir nahi ban sakte kya aisa nahi hai lekin ye qualities nahi hai to aap develop karne ki koshish kare before we get into the myths let's start with one few of the qualities and then we'll get into some of the myths goal setting pe humne baat ki thi first quality to become an entrepreneur Entrepreneurship के angle से ये quality क्या Matter करती है देखो entrepreneur एक goal बनाता है अपने business को खड़ा करने का उसका सबसे बड़ा goal होता है एंटरप्रेनर हैज

Challenge. तो अगर एक पॉजिटिव गोल है तो वो उसको मोटिवेट करता रहता है को क्योंकि देखो बहुत सारे हाइज एंड लोज आते हैं एंटरप्रिनरशिप इज ऑल अबाउट एक्चुअली अ को लगता है एंटरप्रीनरशिप मतलब सक्सेस एंटरप्रिनरशिप मतलब बहुत बड़ा नाम हो गया आपका देखो एंटरप्रिनरशिप में बहुत सारे लोज आते हैं फंड्स खत्म हो जाएंगे लोगों के साथ प्रॉब्लम्स होता है पीपल चैलेंजेस होते हैं हायरिंग चैलेंजेस होते हैं ट्रेनिंग चैलेंजेस होते हैं क्लाइंट चैलेंजेस होते हैं कंप्लेन होते हैं लॉ सूट्स होते हैं एंड आई कैन गो ऑन एंड ऑन हजारों प्रॉब्लम्स होते हैं तो मिथ्स साथ साथ हम तोड़ेंगे बट समझो कि गोल बहुत जरूरी है अगर कोई ऐसा एंट्रप्रिनर है जिनके पास गोल ही नहीं है या जो बस करने के लिए किया बिजनेस फिर चलाने के लिए चलाया और बंद कर दिया देन दे कैन नेवर बिकम सक्सेसफुल लेट मी रीड दिस पॉइंट्स नाउ पॉजिटिविटी इन माइंडसेट एंड एक्शन डिजायर टू सक्सीड नो मैटर वॉर्ड देखो डिजायर टू सक्सीड हम सबको है सब लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं अगर मैं किसी को पूछूंगा आप सक्सेसफुल होना चाहते हो हर कोई यस yes करके जवाब हम सब की ये डिजायर है लेकिन कहां हम फेल हो जाते हैं पता है क्या सेकेंड पार्ट में फेल हो जाते हैं जो सेकेंड पार्ट है लाइन का नो मैटर वॉर्ड ये जिद्दत सब में नहीं होती हम सब कहीं ना कहीं गिव अप कर देते हैं देखो कोई पहले ही हार्डशिप पे गिव अप कर देता है इट्स नॉट अबाउट बिजनेस नाउ

तो नो मैटर वॉट वाले जो लोग है वही सक्सेस करते हैं डिजायर सबको है लेकिन क्यों नहीं मिलती सक्सेस अब <laughs> क्योंकि नो मैटर वॉट वाला पार्ट नहीं है हमारे पास तो जिनके पास नहीं है वो सीख रहे हैं आज कि नो no मैटर का कितना इम्पोर्टेंस है है ना हमारी तैयारी कैसी है हम हर हार्डशीट पे गिव अप करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले तभी ग्रोथ है तभी गोल पूरा होता है ओके नाउ लेट्स गो टू द सेकंड पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विजन अब देखो विजन होता है है ना विजन कई एंगल से समझा जा सकता है हमने विजन को भी विजन के बारे में भी हमने पढ़ा है विजन का जनरल मीनिंग भी लोगों को पता है एक विजन होता है एक ब्रॉड विजन होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन होता है तो जो ऑर्गेनाइजेशन का विजन होता है उसकी यहाँ पे थोड़ी सी बात चल रही है और यहाँ पे फाउंडर का एंटरप्रिनर का बिजनेस ओनर का जो अपना विजन है उसकी भी बात चल रही है एंटरप्रनर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अ क्लियर विजन एंड डायरेक्शन फॉर देयर बिजनेस तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये नहीं है

स्टार्ट विद वाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट द विजन फॉर बिजनेस तो जब हमने अपना विजन बनाने की बात की तो हमने वाई की बात की वाई इज इम्पॉर्टेंट वाई के बाद आता है हाउ हाउ विचीव दैट विजन गोल्डन सर्कल ऑफ साइमन साइनिक और हाउ के बाद आता है वॉट वाई मीन्स वॉट इज योर बिलीफ वॉट इज योअर ग्राउंड विजन फॉर बिजनेस हाउ मीन्स वॉट आर द प्रोसेस स्टेप्स पॉलिसीज है ना फंक्शन्स दैट यू विल अंडरटेक टू अचीव दैट

तो एंटरप्रिनरशिप के लिए बिजनेस रन करने के लिए शॉप रन करने के लिए किसी भी लेवल की एंटरप्रिनरशिप हो एनजीओ रन करने के लिए कोई गेमिंग इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं आप किसी रूरल के लिए कुछ कर रहे हैं समाज सेवा कर रहे हैं मंदिर चला रहे हैं ट्रस्ट चला रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयड है किसी भी तरह की एंटरप्रिन यू नीड टू लीड पीपल यू नीड टू लीड योर बिजनेस इन सक्सेस यू नीड टू लीड योर पीपल फ्रॉम ए टू बी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंटरप्रिन लीड बाय एग्जाम्पल एंड इंस्पायर देयर ठीक है तो एंटरप्रेनर्स बहुत अच्छे लीडर्स होते हैं बनते हैं क्रिएट करते हैं अपने अंदर ये क्वालिटी डेवलप करते हैं बिकॉज बिकॉज दे दे हैव हैव टू टू इंस्पायर द टीम लीड बाय बाय एग्जांपल एग्जांपल लीडर का मतलब होता है कि आप लोगों को सिर्फ अपने टॉक से इंस्पायर नहीं करते लीड बाय एग्जांपल का मतलब होता है आप एक्शन में आते हैं आप लीडर खुद फ्लैग लेके चलता है लीडर विल गाइड यू नॉट ओनली बाय एक्शन लीडर नॉट ओनली बाय टॉक्स और नॉलेज

एम्पावरमेंट का मतलब होता है पावर देना किसी और को <laughs> तो यहाँ पे वी से एम्प्लॉज और टीम यू द लीडर इज गिविंग पावर होल्डिंग देम पावरबल फॉर द रिजल्ट फिर लीडर फोर्थ केस में ये एम्पावरमेंट अप्लाई होता है इसका मतलब क्या हुआ कि वेन लीडर विल नॉट ओनली ट्रेन यू फॉर द टास्क ही विल ट्रेन यू क्वाइट वेल और लीडर साथ साथ ये भी आपको बोलेगा ट्रेन करने के बाद कि ये काम की जिम्मेदारी आपकी है हाथ से ठीक है ये काम आपको फिनिश करना है यू डोंट हैव टू कम बैक टू मी फॉर एनी अप्रूवल अन दस इट्स अ वेरी यू नो मेक और ब्रेक काइंड ऑफ थिंग कुछ बिल्कुल ही फट गया बड़ा हो गया तो मुझसे पूछो बट अदरवाइज यू आर अकाउंटेबल फॉर दिस ठीक है एंड रिजल्ट के लिए भी आप अकाउंटेबल हो रिजल्ट का मतलब क्या हुआ लीडिंग इंडिकेटर होता है लैगिंग इंडिकेटर होता है आपने समझाता देखो आप यूट्यूब पे पोस्ट डालते हो ये क्या हुआ ये इंडिकेटर हुआ आप सौ कॉल्स करते हो रोज कस्टमर्स को ये लीड इंडिकेटर हुआ आप सौ बिजनेस ग्रो in. हो रहा है कि नहीं हो <laughs> हो रहा है कि कि नहीं Sales हो नहीं रहे हैं एक्चुअली कन्वर्जन कितने हुए दिस इज लैग तो लीड और लैग दोनों के लिए जब आप रिस्पॉन्सिबल हो इंप्लॉई रिस्पॉसिबल है then that is complete empower. complete empowerment मतलब यू हैव द पावर वी आर नॉट

Uh, काम खत्म करके अप्रिशिएट करना लोगों को यू नो टाइम पे एक्नॉलेज करना टाइम पे रिपोर्ट देना अपने वर्ड को पूरा करना तो ये सारे जो स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक क्वालिटीज लगते हैं इंटीग्रिटी क्वालिटीज हैं वर्क एथिक्स के जो गाइडेंसेज uh, हम दूसरों को बताते हैं गाइडलाइंस वो लीडर भी फॉलो करते हैं एंड दे लीड बाई एग्जाम्पल देखो डेलीगेशन आ गया फोर्थ पे डेलीगेशन पे हमने बहुत सारी बात अभी कर ली सो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन प्रेटी मच वी एक्स एक्सप्लेन ऑल थ्री फोर लेवल्स ऑफ डेलीगेशन

बहुत लोग आगे मुझे बोलते हैं कि हम दूसरों से काम नहीं कर सकते खुद कर सकते <laughs> है ना ये बहुत परेशानी होती है क्यों होती है ये परेशानी बताओ एक वो हमने देखा कि सामने वाले पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि उतना अच्छा कर पाएगा एक है कि खुद पे ही कॉन्फिडेंस ले कि मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं या मैं सामने वाले को बता भी पाऊंगा खुद पे कॉन्फिडेंस की कमी है तो भी आप डेलीगेट नहीं कर पाओगे सामने वाले पे ट्रस्ट नहीं है कॉन्फिडेंस नहीं है तो भी आप डेलीगेट नहीं कर पाओगे सामने वाला आप पे ट्रस्ट नहीं करता तो भी प्रॉब्लम है आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे तो भी प्रॉब्लम है आपका सामने वाले के साथ रैपो ही नहीं है सामने वाले के साथ झगड़ा है तो भी प्रॉब्लम है राइट और अपना अपना एजेंडा है पॉलिटिक्स ही है कि ये अलग तरीके अलग रीजन से वो काम कर रही है या अलग रीजन से काम कर रही है या वो अलग रीजन से काम कर रहा है, है तो भी प्रॉब्लम है तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं ठीक है और उसके अलावा डेलीगेशन करना आता भी नहीं है फिर ये भी एक रीजन हो सकता है जो हमने समझा अभी कि डेलीगेशन मतलब क्या डूइंग से डिसाइडिंग पे जाना डिसाइडिंग से डिजाइनिंग पे जाना डिजाइनिंग से डेलीगेशन पे जाना

तो ये आपको आर्ट सीखना है हर एक को स्पेशली लीडर्स को स्पेशली एंटरप्रेनर्स को दे शुड नो हाउ टू गेट लेवरेज एंड मल्टीप्लाई एबिलिटीज डेलीगेशन तो ये हमने समझा ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम डेलीगेशन यूज करते हैं क्वाड्रेंट थ्री से क्वाड्रेंट टू में शिफ्ट होने के लिए हम डेलीगेशन यूज करते हैं और अपनी स्किल्स को लेवरेज और मल्टीप्लाई करने के लिए और हर एक को जो स्पेशल स्किल्स है उस हिसाब से उनको टास्क देने के लिए हम डेलीगेशन यूज करते हैं तो लीगलटेंट का काम करेगा डॉक्टर का करेगा, doctor, doctor का करेगा support वाला support का काम करेगा एवरी वन करेंगे तो एफिशिएंसी बढ़ने के बजाय कम हो जाएगी प्रॉब्लम ज्यादा होने लगेंगे अपवर्ड डायरेक्शन मोस्ट फेवरेट टॉपिक मेटा स्किल टाइम मैनेजमेंट

Time, or if an entrepreneur wastes a lot of time, then he cannot become successful. He cannot stay in the business for a long time. He cannot survive. His business cannot survive. Her business cannot survive. Time management is very, very crucial quality, not only for your life, but in terms of entrepreneurship also. Let me read these points. Entrepreneurs prioritize tasks, allocate time wisely, and avoid distractions.

देखो दूसरों ने जो ट्री लगाए हैं वो ट्री का आनंद हम लेते हैं ना आज लेकिन वो भी बीस साल पहले लगाए थे किसी ने ये भी सोचो तो जिन चीजों को आपको प्रायोरिटी है वो चीजों की प्रायोरिटी नाव हैटेंट फॉर यू इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट फॉर यू इज नाव नाउ वी गोविंग टू एजिलिटी एजिलिटी क्या होता है स्पीड रैपिड है ना इंस्टेंटली एजिलिटी एजिलिटी से अजाइल भी बनता है अजाइल हम सबको पता है अजाइल फ्रेमवर्क बहुत फेमस है जिसमें स्क्रम आता है कानबान आता है जीरा आता है बहुत कुछ आता है तो अजाइल भी एजिलिटी पे बेस्ड है पूरा रिस्पॉन्डिंग टू कस्टमर चेंजेस क्विकली तो एजिलिटी इज अ क्वालिटी रिक्वायर्ड फॉर क्यों चाहिए ये क्वालिटी स्पीड क्यों चाहिए अभी हम ये पॉइंट पहले पढ़ लेते हैं फिर क्लियर हो जाएगा एंड देन इफ नीड इट विल टॉक अबाउट इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज क्रिशियल ये हमने समझ लिया लेट मी रीड द पॉइंट स्पीड इज द की इन दिस कॉम्पिटिव वर्ल्ड

मूविंग क्विकली थोड़ा डिफरेंट है इसको समझो मूविंग क्विकली यानी सिचुएशन के हिसाब से जल्दी मूव करना देखो कहीं डिले रिक्वायर्ड है तो डिले पे जल्दी मूव करेगा डिले पे कैसे जल्दी मूव करेगा कोई बोले अरे डिले करना है तो उसका डिसीजन जल्दी कम्युनिकेट करेगा समझो कोई वेंडर है क्लाइंट है ठीक है क्लाइंट ने आपको बोला ये कल तक मुझे दो नहीं तो ये डील कैंसिल ठीक है ऐसा कोई डू एंड डाई सिचुएशन आ गया किसी लीडर के लिए तो लीडर ने जाके सोचा ब्रेन किया टीम से बात किया इमीडिएट रेलिवेंट लोगों से बात किया अब उनको डिसीजन देना क्लाइंट को अगले दिन थी। ठीक है तो लीडर क्या करेगा लीडर देख रहा है कि हम यस बोलने की पोजीशन में तो नहीं है कल ठीक है ये फाइनल हो गया आफ्टर ब्रेन और नो बोलने की पोजीशन में भी नहीं है क्योंकि हमने यस नहीं बोला या नो बोल दिया तो कस्टमर चला जाएगा हमेशा सो तो ही फाउंड मिडिल वे कि चलो इस डिसीजन को डिले तो करना है लेकिन फिर डिले कैसे करेंगे तो वो स्ट्रेटेजी वो बनाएगा उस पर क्विकली मूव करेगा

the more likely he will discover method or the process, right method or the right process. Point number three is fail fast, learn faster. This so jargon is already famous in the industry. Someone said this important. Fail fast, learn faster. Maybe Eric Rise, I think, or someone some other business Okay. So now let's talk about this a little bit. What do you mean by uh, first line, the top line? Entrepreneurs are adaptable and willing to pivot their strategies when needed. एडेमेंसी है ना जिद पकड़ लेना कि नहीं, मैं तो यही करूंगा है ना या चिपक जाना एक ही चीज को नहीं या इगोस्टिक दूसरा वर्ड हो सकता है इसका एंटो ने रिजिड है एक बंदा तो रिजिडनेस नहीं चाहिए एंटरप्रनरशिप में रिजिडनेस या एडमेंट आप हो या इगोस्टिक हो ना तो ये विल नॉट वर्क विद एंटरप्रनरशिप यू विल है तो कई चीजें ऐसी होंगी ना जिसमें आपको बहुत एफर्ट लगेगा यू विल नॉट गेट इट राइट द फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट मार्केट फिट एक दिन में अचीव नहीं होता है टू पॉइंट का मतलब है देखो कोई आदमी ऐसा होगा जो फास्ट नहीं कर पाएगा एजिलिटी के बारे में हमने पढ़ा ना तो इफ यू आर नॉट फास्ट ऑन थिंग्स देन यू विल टेक डेज टू कंप्लीट इट तो ये पॉइंट टू का मतलब को भी पता नहीं रहता है कि कितने अटेम्प्ट लगेंगे कई बार फेल होने के लिए या कितनी बार प्रोडक्ट मार्केट फिट पे काम करना पड़ेगा कितनी बार पेवर्ट करना पड़ेगा इससे घबराओ मत है ना बिकॉज देखो एक्सपेरिमेंट्स तो करने पड़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फ्लेक्सिबल फॉर नॉट जस्ट ये सारे देखो क्वालिटीज हम लाइफ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं फेलियर्स सिर्फ फेलियर की बात नहीं है फेलियर से सीखने की आपकी टेक्निक होनी चाहिए फेलियर से सीखने की नीयत होनी चाहिए नहीं तो एक फेलियर से ही हम सब घर जाके बैठ सकते हैं ना फेलियर्स तो आते आएंगे ही तो फेल फास्ट लर्न फास्ट मतलब सिर्फ हायरिंग तक नहीं है हायरिंग का मतलब अच्छे कैंडिडेट ढूंढना करेक्ट इंटरव्यू प्रोसेस सेटअप करना करेक्ट लोगों को चुनना कल्चरल फिट निकालना उनके टैलेंट्स को

relationship building networking with different people going to events and talking to people calling people on a daily basis you know maintaining a rapport maintaining a network maintaining a good reputation of your company and your personality all this is part of hiring finding the right people to join your team is a critical aspect of becoming a successful writer. so this is what I explained I want to take a stop here